गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे अगेन आवर टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन। ओके चिल्ड्रंस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाट आर मल्टीप्लिकेशन, क्या है डेफिनेशन, ऑल थिंग्स, बट अगेन आई एक्सप्लेन टू यू। फर्स्ट, दिस इज गाइडलाइन फॉर यू स्टूडेंट, बी केयरफुल, Do your work in new maths notebook, कि आपको अपनी maths की notebook में काम करना है। Others किसी भी rough copy, others material means जो आपके पास पुरानी कोई भी नहीं करेगा, आपको fair notebook में work करना है। Okay? Your work should be neat and clean, आपका जो work है वो बिल्कुल neat and clean होगा। And this worksheet will not be submitted children, ठीक है ना? कुछ बच्चे अभी भी व्हाट्सएप में अपनी वर्कशीट सबमिट कर रहे हैं चिल्ड्रन, दिस इज़ नॉट अ राइट वे। कि आपको अगर वर्क आपको अर्सल में दिया गया है और आपको बार बार नोटिफिकेशन दिया जा रहा है कि यू सबमिट ऑन अर्सल इन योर होमवर्क, कि आप अर्सल में ही सबमिट करें होमवर्क को, सो उसके बाद भी आप अपना वर्क व्हाट्सएप में सेंड कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस तरह से ना करें। और जब ये नॉन सबमिशन वर्कशीट है तो प्लीज़ इसको सबमिट करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो प्लीज़ डोंट सबमिट दिस वर्कशीट। आपको बच्चे को काम कराना है या आपने काम करना है और अपनी नोटबुक में उसको रखना है और प्रैक्टिस करते रहना है घर पर। ओके चिल्ड्रन, वीडियो लेक्चर ऑफ द टॉपिक कैन बी सीन एट द ट्यूटोरियल पोर्टल। आप जो भी ये वीडियो का लेक्चर जो हम टीचर्स आपके बना रहे हैं, प्लीज़ इसको ट्यूटोरियल पोर्टल में जाकर जरूर देखें एंड तक। ये नहीं देखना है कि शुरू में देखा और क्या किया, उसको क्लोज कर दिया। प्लीज़ वीडियो को देखें, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट है आपको सीखने के लिए मिलेगा, तो प्लीज़ वॉच वीडियो एवरी डे, एवरी टॉपिक, एवरी सब्जेक्ट। सभी बच्चे क्या देखेंगे, वीडियो ट्यूटोरियल पोर्टल में जाके देखें एंड तक, ठीक है ना? एंड तक आप जाकर उस वीडियो को देखेंगे, कोई भी इग्नोर नहीं करेगा वीडियो को, ठीक है ना? व्हेन स्कूल इज ओपन, जब कभी भी स्कूल खुलेंगे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि आपने व्हाट आर मल्टीप्लिकेशन, व्हाट आर एडिशन, व्हाट आर इवन ऑड नंबर, तो मुझे डेफिनेशन सहित विद उसके साथ मुझे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है ना? इसीलिए चिल्ड्रन आपने क्या करना है, अच्छे से वीडियो को देखना है। ओके, मैं बार बार बोल रही हूँ, बिना वीडियो को देखे हुए कोई भी काम नहीं करेगा, चाहे आता है नहीं आता। और जो टीचर्स का पैटर्न है, जिस तरह से हम अपनी आपको नोटबुक में करा रहे हैं, सेम उसी पैटर्न में करना है। एंड डोंट यूज़ स्केच कलर एनी पेन, ओनली यूज़ पेंसिल एंड यूज़ वैक्स कलर। ओके, ठीक है ना? एंड दिस इज योर वर्कशीट। सो फर्स्ट आई एक्सप्लेन अनदर थिंग्स, मैं कुछ और भी समझाना चाहूँगी आपको। मैच द मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम विद देयर आंसर चिल्ड्रन, ये आपका मल्टीप्लिकेशन भी है, आप टेबल भी कर सकते हैं इसको। सो आपको फर्स्ट मैथड पता होना चाहिए, हाउ टू सॉल्व मल्टीप्लिकेशन, किस तरह से करना है सॉल्व। चिल्ड्रन मैंने आपको बताया था व्हाट आर मल्टीप्लिकेशन, क्या है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सिंपली वे में बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मींस रिपीटेड एडिशन, ठीक है ना? क्या है मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है एडिशन को क्या होता है दोहराना है, ठीक है ना? बार बार सेम नंबर को जोड़ना होता है, ठीक है ना? उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। द सेम नंबर रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है ना? सपोज़ अगर 3 सिक्जा है तो आपने क्या करना है, 6 को 3 टाइम ऐड करना है, इजी, ठीक है ना? तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन मींस रिपीटेड एडिशंस ऑफ द सेम नंबर फॉर रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है ना? ये ज़रूर ध्यान रखना है। सो वन मोर थिंग चिल्ड्रन, इसके साथ साथ दिस इज़ योर एक्टिविटी वर्कशीट। सो वन मोर अनदर थिंग, कि मैं आपको और अच्छे से कुछ और भी समझाऊँ। सो दिस इज योर बुक पेज नंबर 77, ठीक है ना?
सो चिल्ड्रन, एक तो ये है, राइट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट ओनली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, यू डोंट राइट इन योर बुक. व्हेन आई गिव यू इंस्ट्रक्शन देन यू फॉलो इट. जब भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी कि आपने ये पेज नंबर करना है तो ही करना है, अभी कोई भी पेज से नहीं करेगा. ठीक है, आई ओनली एक्सप्लेन टू यू कि व्हाट आर द एडिशन फॉर्म, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म एंड हाउ टू एड नंबर लाइन, यूज़ द नंबर लाइन. ठीक है ना, तो अभी आपको समझना है और प्रैक्टिस इन एट योर होम. यू गिव टू योर सेल्फ क्वेश्चंस, अपनी अपने आप क्वेश्चन दो और उसको सॉल्व करो. ओके, लाइक चिल्ड्रन हियर चेक, 4 + 4 + 4, ठीक है ना, मीन्स 4 कितने टाइम है, 3 टाइम है. ठीक है ना, तो अगर हम ऐड करते हैं 4 + 4 + 4, 3 टाइम ऐड करते हैं तो 12 है. अगर हम इसको वी राइट मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, सो हाउ वी राइट, 4 कितने टाइम है, 1, 2, 3. सो वी राइट फर्स्ट 4 है हाउ मैनी टाइम, 3 टाइम, या आप 3 टाइम लिख सकते हैं 4. तो 4 × 2 = 4, 3 = 12. आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 3 टाइम कितना है, 4 है. आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, टाइम कितना है, 3 टाइम कितना है, 4 है, 3 × 4 = 12. ठीक है ना, तो ये क्या है, रिपीटेड एडिशन फॉर्म. ठीक है ना, अगर आपको क्वेश्चन दिया होता है कि 3 × 4, तो आपने इसको एडिशन फॉर्म में कैसे लिखना है, यू राइट 4 को कितने टाइम लिखना है आपने, 3 टाइम ऐड करके, जैसे यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, तो वी गेट आंसर 12. इन सेम मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में भी वी गेट आंसर 12. ठीक है ना, सेम हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम कितना है, 5 है. ठीक है ना, वी ऐड एडिशन फॉर्म में अगर हम देखते हैं कि किस तरह से ऐड किया गया है, 5 को 6 टाइम ऐड कर आंसर कितना आया, 30 आया. सो इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म हाउ वी राइट, 6 × 5, 6 × 5, 6 × 5 = 30. ठीक है ना चिल्ड्रन, सो इस तरह से हम इसको करेंगे. चिल्ड्रन वी ऑलरेडी डन दिस एक्टिविटी या दिस वर्क इन प्रीवियस क्लास. आपको याद होगा कि हमने चेंज मल्टीप्लीकेशन इंटू एडिशन फॉर्म, चेंज एडिशन इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म हमने किया था ना, सेम प्रोसीजर ये है चिल्ड्रन. आपको इसी तरह से ये सॉल्व करना है. आप प्रैक्टिस करें घर पर, सो दिस इज़ ये इजी हो जाएगा आपके लिए. ठीक है ना, सो अपनी प्रैक्टिस को भी रेडी रखना है, करते रहना है, करते रहना है. ठीक है, कंटिन्यू रखें. एंड दिस इज़ यूज़ द नंबर लाइन टू फाइंड द फॉलोइंग. चिल्ड्रन आई एक्सप्लेन टू यू इन एडिशन में भी बताया था आपको, सब्सट्रैक्शन में भी बताया था हाउ यू यूज़ नंबर लाइन. फर्स्ट चिल्ड्रन यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, देन यू मार्क इन प्रॉपर डिस्टेंस, इन इक्वल डिस्टेंस में आप, मैंने बोला था आपको मार्किंग करना होगा, एंड यू राइट काउंटिंग. ठीक है ना, 1 to 15, 20, वट एवर, आप जहाँ तक आपको नंबर गिवन नंबर है क्वेश्चन में, आप वहाँ तक कर सकते हैं. नाउ गिवन नंबर इज, आवर क्वेश्चन इज 2 × 4. सो चिल्ड्रन दिस इज अ ग्रुप ऑफ 4, 2 × 4 मीन्स यू राइट, अगर आप इसको एडिशन फॉर्म में लिखते हैं कि 2 × 4, ठीक है ना, 2 × 4, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे 2 × 4, तो आप ऐसे लिखेंगे एडिशन फॉर्म में 2 + 2 + 2 + 2, 1, 2, 3, 4, 2 groups of 4, लाइक 2 groups of 4, मतलब 2 × 4 लिखा है. ठीक है ना, 4 को, ठीक है ना, 2 + 2 + 2 + सो हाउ वी डन दिस चिल्ड्रन, आपने क्या करना है, इसको ऐड करके देखिए, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, एंड 6 + 2 = 8. ठीक है ना, आपने इसको
एडिशन फॉर्म में देख लिया है, ठीक है ना। सो चिल्ड्रन दिस इज टू ग्रुप ऑफ फोर। नाउ कम, सो चिल्ड्रन अब आपने क्या करना है, टू जंप्स ऑफ फोर, टू जंप्स ऑफ फोर। फर्स्ट यू स्टार्ट जीरो टू टू, देन टू टू फोर, देन जंप टू टू फोर टू सिक्स, एंड जंप अगेन सिक्स टू एट। सो वी लैंड, वी गेट अवर आंसर एट। हाउ मैनी टाइम वी जंप, वी जंप फोर टाइम, वन, ठीक है ना, वन टू थ्री फोर। हाउ मैनी टाइम वी जंप, फोर टाइम। सो वी लैंड हियर इन विच नंबर, इन विच नंबर, एट नंबर। सो वी गेट आंसर एट, टू फोर जा एट, ओके। सेम हियर थ्री मल्टीप्लाई सिक्स, तो थ्री ग्रुप ऑफ सिक्स, ठीक है ना, थ्री ग्रुप्स ऑफ सिक्स। सो व्हाट यू डू, थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स ट्वेल्व, सिक्स थ्री जा एटीन। इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म वी गेट आंसर एटीन, एंड एडिशन थ्री प्लस थ्री सिक्स, थ्री प्लस थ्री नाइन, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एंड एटीन, ठीक है ना। हाउ मैनी टाइम वी जम्प, वी जम्प सिक्स टाइम जम्प, ठीक है ना, जीरो टू थ्री, थ्री टू सिक्स, सिक्स टू नाइन, नाइन टू ट्वेल्व, थ्री एंड फिफ्टीन एंड एटीन। वी लैंड हियर विच नंबर, एट नंबर। सो वी गेट आंसर एटीन, ठीक है ना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वी जम्प सिक्स टाइम, सो वी गेट आंसर 18। चिल्ड्रन आपको इसी तरह से इसको सॉल्व करना है चिल्ड्रन, एंड दिस इज योर वर्कशीट, ओके। सो हियर फोर एट जा, फोर एट जा ट्वेंटी फोर, एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, सिक्स फाइव जा थर्टी, थ्री फोर जा ट्वेल्व, टू नाइन जा एटीन, फाइव टू जा टेन, फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, ओके चिल्ड्रन। आपको इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, दिस इज़ अ इजी वे। ये तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, टेबल के थ्रू आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके चिल्ड्रन। आई होप यू अंडरस्टूड। आपको इसको रिवीजन करते रहना है, टेबल को भी लर्न करते रहना है, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।